और रायबरेली में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राहुल देव सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में पार्टी जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। राहुल गांधी अमेठी के बाद में रायबरेली भी जाएंगे, तो राहुल गांधी की यात्रा जहां जहां से होकर गुजर रही है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि वहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। अब उत्तर प्रदेश पहुंची है राहुल गांधी की यात्रा, तो अब एक और ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि राहुल देव सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में पार्टी जिला अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ वर्षों में पार्टी में एक अजीब सी कार्य संस्कृति ने जन्म ले लिया। संवादहीनता की स्थिति है, नेताओं की तरफ से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नेताओं की तरफ से हम लोग भुला दिए गए हों, और ये कहना मुझे आज ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि बजाय ये कहने कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी के नेताओं ने पहले से ही हम लोगों को छोड़ रखा है। विगत 5 वर्षों में लोकसभा चुनाव के बाद काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी हम लोगों की कोई भेंट मुलाकात किसी नेता से नहीं हो पाई, राहुल जी से, ना प्रियंका जी से, ना सोनिया जी से। कई बार प्रयास करने के बावजूद हम लोग उनसे नहीं मिल पाए, अपनी बात नहीं कह पाए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा से दूरी बना ली है और न्याय यात्रा में शामिल नहीं होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई, जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।